यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। हरियाणा सरकार द्वारा आज से सरकारी अस्पतालों में जनरल ओपीडी को फिर से शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जनरल ओपीडी को बंद कर दिया गया था। आज इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्री के एसएमओ डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार इंद्री के अस्पताल में आज से जनरल ओपीडी शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस के चलते दवाई लेने आ रहे मरीजों के लिए सोशल डिस्टेंस बनाकर रखा जा रहा है। एक मरीज से दूसरे मरीज में उचित दूरी बनाकर रखी जा रही है। मेरे यहाँ पर पहले से हम सभी प्रकार के पेशेंट को देख रहे हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली इट हैज स्टार्टेड कि हमने जनरल ओपीडी के पेशेंट्स को देखना है। वो हम देख ही रहे हैं, उसमें उसको और उसके अंदर से हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं जो फ्लू लाइक सिम्टम्स के पेशेंट हैं। जो हदायतें हम इसमें अपना रहे हैं वो ये कि पेशेंट देखते हुए वी शुड मेंटेन द सोशल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस ऑफ 1 to 1.5 meters, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसका हमने उसके चेहरे पर ढका होना चाहिए और द हैंड शुड बी वॉश्ड, जो हमने वहाँ पर प्रबंध किया हुआ है। हमारी मोबाइल वैन्स हर गांव में चल रही हैं जो कि इसी कैटेगरी के तहत इसी संदर्भ में हर पेशेंट को वहाँ पर देखती हैं। वहाँ पर भी स्क्रीनिंग की जा रही है और वहाँ पर भी हम जनरल पेशेंट को देख रहे हैं, उसमें से फिल्टर आउट कर रहे हैं कि कौन से पेशेंट फ्लू लाइक सिम्टम्स के हैं। इस प्रकार से मेरी पूरी टीम यहाँ पर, जो डॉक्टर मेरे पास उपलब्ध हैं, हम सब मिलकर एकजुटता के साथ हम COVID-19 के अगेंस्ट कार्य में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि मौसम परिवर्तन होने के कारण आजकल एलर्जी के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। इन मरीजों को लगभग 21 दिन की दवाई दी जा रही है। उन्होंने बताया कि गांव में मरीजों को दवाई देने के लिए मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके माध्यम से मरीजों को घर पर ही दवाई दी जा रही है। डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बताया कि अभी तक इंद्री हल्के में किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण नजर नहीं आए हैं। बात करूं इंद्री हल्के की, मेरे पास इस प्रकार के पेशेंट जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हो नहीं है, इट्स लगभग ना के बराबर ही है। बाकी जनरल छुटपुट बीमारी के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जिसका हम उपचार कर रहे हैं, खुजली वगैरह के, या पेशेंट जिनको एक जनरल सेंस के अंदर उसको खांसी या जुकाम भी हो सकता है, जनरल सेंस में, नॉट COVID-19 से रिलेटेड। मेरे पास पेशेंट क्रोनिक पेशेंट जिनको हम दवाई प्रायः 15 दिन की या एक महीने के लगातार देते आ रहे हैं, BP हाइपरटेंशन, वो पेशेंट तो हमारे जो रूटीन में चल रहे हैं इस प्रकार के पेशेंट हैं। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज।